श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। ओम जय माँ सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फार्मूला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 28 जनवरी 2023 का दिन है, रात के 9:46 हो रहे हैं। शनिवार है, वीकेंड है। उम्मीद है आप सभी का वीकेंड अच्छा जा रहा होगा और मेरी कोशिश है कि वीकेंड तो अच्छा जाए ही जाए, जो आने वाले वीकडेज हैं वो भी आपका अच्छा हो। और इसीलिए हम वीकेंड स्पेशल वीडियोस ला रहे हैं, एक के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनालिसिस आपके लिए आ रही हैं। गोल्ड सिल्वर पे डिटेल्ड वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, कौन से डेटा आएंगे, क्योंकि आने वाला हफ्ता यानी कि जो 30 तारीख से परसों से शुरू होगा और 3 फरवरी तक चलेगा, वो डेटा हैवी रहने वाला है। एक एक डेटा दिन को डिसाइड करेगा, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, जिंक हो, एनजी हो, क्रूड हो, इम्पॉर्टेंट डेटा आने वाले हैं, तो वो वीडियोस मिस मत करिए। सबके जो आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, तो कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आई बटन पे क्लिक करिए, सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। अब इस वीडियो में बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। जब से मैंने ये बात कही है कि एनजी ठंड में गर्म नहीं होगी, बायर्स को बर्बाद कर देगी, तब से हलचल मची हुई है मार्केट के अंदर। हर हफ्ते नेचुरल गैस नए लोज क्रिएट कर रही है। जी हाँ, हर वीक हमें एनजी के अंदर नए लोज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको कई हफ्तों से ये बात बता रहा हूँ कि नेचुरल गैस के अंदर हैवी बाइंग पोजीशन मत कैरी करिएगा, और उसकी वजह यही है, बिकॉज जो सपोर्ट्स हैं, एक एक सपोर्ट मार्केट रिलेंटलेसली ब्रेक करती जा रही है, रिलेंटलेसली ब्रेक करती जा रही है। कहीं से भी ब्रीदर नहीं मिल रहा, कोई भी बड़ा पुल बैक नहीं मिल रहा है। एनजी का चार्ट और गोल्ड का चार्ट थोड़ा बहुत सिमिलर नज़र आ रहा है। जिस तरह से गोल्ड नए हाईस क्रिएट कर रही है, कॉपर नए हाई, लाइफ टाइम तो नहीं लेकिन नए हाईस क्रिएट कर रहे हैं, उसी तरह से नेचुरल गैस लोज क्रिएट कर रही है। और इसकी वजह क्या है? देखिए, चूंकि नेचुरल गैस का इस्तेमाल हमारे यहाँ होता नहीं है, और एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कमोडिटी मार्केट में कोई वजह नहीं होती। जब ये $10.10 थी तो भी कोई वजह नहीं थी, और आज जब ये $2.5-3 के आसपास ट्रेड कर रही है तो भी कोई वजह नहीं है। वजह ट्रेडिंग के अंदर केवल एक होती है, और वो वजह होती है कि अगर बायर ज़्यादा होंगे तो मार्केट नीचे जाएगी, और अगर सेलर ज़्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, जब तक मैक्सिमम लोगों को वो ख़त्म नहीं कर देती। यही किया था नेचुरल गैस ने 800 जाके, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एनजी 800 चली जाएगी, 800 गई, और वो भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अगस्त की बात है। वहाँ से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग तो ये कहते थे जी 300 का रेट भी अब नहीं देखने के लिए मिलेगा, आज 230 रुपए का रेट चल रहा है नेचुरल गैस के अंदर। सो ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ट्रेडिंग ऑन डेरिवेटिव्स इज वेरी रिस्की। बहुत कम लोग होते हैं जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, नॉलेज के साथ ट्रेड करते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, वो तो यहां सस्टेन कर पाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम 96-97% ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो नेट लॉस में ही जाते हैं, अपनी कैपिटल को ख़त्म करके जाते हैं। इसलिए अगर आपको ट्रेडर बनना है तो सीजनल ट्रेडर मत बनिए, शौकिया ट्रेडर मत बनिए। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो इन्फॉर्म्ड ट्रेडर बनिए, प्रैक्टिस्ड ट्रेडर बनिए, क्योंकि टिप्स से ट्रिक से आपका लॉन्ग टर्म भला नहीं होगा। अगर आपका सही में आपको अपना भला करना है, सही में इस मार्केट में अपने आप को सस्टेन करना है, सही में यहाँ पे कुछ दो पैसे निकाल के लाने हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा, मार्केट को समझना पड़ेगा, ट्रेंड कैसे होता है इसको सीखना, और उसके बाद भी आप गलत हो सकते हैं, बट तब आप कुछ सीखेंगे उससे। आप फेलियर से भी सीखेंगे, सक्सेस से भी सीखेंगे, फॉल से भी सीखेंगे, अपसाइड से भी सीखेंगे, आप सब चीजों से सीखेंगे। जैसे मैंने सीखा वैसे ही आप भी सीखेंगे, मैंने भी सीखा, गिर के सीखा, मुश्किलों में सीखा, परेशानियों से सीखा,
और तब आज यहां पर पहुंच पाए हूं। ठीक है, चलिए चार्ट पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं भाई एनजी कर क्या रही है, क्योंकि कर तो रही है वो बड़ा विकेट काम ही है। अब आप जरा ये एक कैंडल अपसाइड की थी जो 585 तक गई, 585 तक, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग वन साइड फॉल हमें आता हुआ दिखाई दिया है, वन साइड इन सारी कैंडल्स में। ये जो कैंडल थी ये रिवर्स हैमर कैंडल बनी और उसके बाद आप देखें इसकी बॉडी को ये क्रॉस नहीं कर पाया एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मोमेंट इट कैप्ट ऑन डिक्लाइनिंग। हर सपोर्ट को चैलेंज किया है एनजी ने, जो भी सपोर्ट थे, और अब ये ऐसी जगह पर आ गया है नेचुरल गैस जहां से इसको घूमना ही घूमना है। ये मैं थोड़ी बड़ी लाइन का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि कॉन्फिडेंस है मुझे। अब ऐसी जगह पे एनजी आ गई है जहां से इसको घूमना ही घूमना है, मतलब बाउंस बैक आना ही आना है, नो बडी कैन रूल आउट बाउंस बैक। ठीक है, भले इसको अगर फर्दर भी नीचे जाना होगा ना, तो ये जो जोन मैंने हाईलाइट किया, अब ये जोन थोड़ा बड़ा है, देखिए ये बिल्कुल ये जो जोन है ना ये बड़ा है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि जो इसका फर्स्ट पॉइंट है ना आपको वहीं से बाउंस बैक मिल जाएगा, जो फर्स्ट पॉइंट है ना वहीं से बाउंस बैक मिल जाएगा। इससे ये थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है। देखिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आएगा उसको समझिए कहां पे आएगा। फर्स्ट पॉइंट आएगा 230 से 220 के बीच में, 230 से 220 जो लो बना है मार्केट ने, जो लो बनाया है 230। देखिए पिछले वीक का थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं कि क्या रहा, 293.70 का हाई बना है और 230.70 का लो बना है। कॉन्ट्रैक्ट भी शिफ्ट हुआ है, 25th की एक्सपायरी थी जो वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे को कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हुआ है फ्रॉम जनवरी कॉन्ट्रैक्ट टू फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, उसके बीच में भी एक डिफरेंस देखने के लिए मिला। अगर हम बात करें करेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो हाई है वो क्या लगा है, तो उसकी पिक्चर थोड़ी अलग है, 274.30 का ही हाई लगा है। तो 230 का लो और 293 का हाई पोस्ट हुआ अगर हम रनिंग और दोनों कॉन्ट्रैक्ट की, और उसको भी आप रनिंग ही मानिए, लास्ट डे तक तो रनिंग ही रहता है, कैश सेटल्ड है एनजी, गोल्ड की तरह, कॉपर की तरह, सिल्वर की तरह, 5 दिन पहले एक्सपायरी नहीं होती है, ये डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, तो ये कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। चलिए अब मार्केट ओवरसोल्ड है, कोई डाउट नहीं है, मार्केट सपोर्ट के पास है, कोई डाउट नहीं है, मार्केट को ये सपोर्ट्स होल्ड करने चाहिए, बिल्कुल होल्ड करने चाहिए, क्योंकि मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ, हिस्ट्री में मैं आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मार्केट होल्ड होनी चाहिए। ये कुछ आप लेवल्स देखिए, 231.20, 229.40, इनको देखिए, थोड़ा समझिए इनको, 220.50, फिर इसको देखिए 229.70, 225.90, ये लेवल्स जो है एक ज़माने में इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ करते थे। ये इस कैंडल को देखिए 220, फिर ये देखिए 223.20, ये पूरा का पूरा जो रेजिस्टेंस था इट विल टर्न इनटू सपोर्ट्स। नाउ आई वाज होल्डिंग कि मैं बाय नहीं करूँगा, बट Now I am also planning to buy from 231 के पास। मैं अभी देखिए, अभी तो मार्केट बंद है, so let me give you disclosure, 231.10 से मैंने बाई किया एक लॉट, वन आई एम प्लानिंग टू बाय नियर 218-220 levels, I will add near 200 levels if it goes, because this is the time, definitely it can गो टू 180, 170, 150, मार्केट है, कुछ नहीं कर सकते, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं से देयर विल बी अ बाउंस ऑफ 3200 रुपीज फ्रॉम एनी प्लेस एंड इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बाउंस। अब उनके लिए दिक्कत है जो 400, 450 तक में बाइंग करके अटके हुए हैं, फॉर देम दिस बाउंस इज नथिंग। अब सोचो जो 400 में अटका हुआ है, दे नीड अराउंड 100% ऑफ द मूवमेंट, जो 450 में अटका हुआ है अगर उसका रोल ओवर, बिकॉज एनजी में नेक्स्ट जो 28 मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज ट्रेडिंग एट 245.40, तो दोनों में लगभग 10 रुपए का डिफरेंस है, एंड दिस डिफरेंस कैन वाइडन बिकॉज बायर फंसे हुए हैं, तो
इस कॉन्ट्रैक्ट तक तो डिस्काउंट में था, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आगे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको ये प्रीमियम में लेकर चले जाए और उसकी वजह से बायर्स की जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है वो बढ़ता चला जाएगा, जैसे आपने देखा होगा जनरली होता है। जब भी कोई चीज नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करती है तो वो हमेशा जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर है वो बायर को भरना पड़ता है। वहीं पर अगर आप सेलिंग में देखोगे कोई चीज अगर ऊपर जा रही है तो जनरली कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर खासतौर से इन कमोडिटीज में, कॉपर में, जिंक में, एनजी में, क्रूड में, गोल्ड सिल्वर को छोड़ दो, गोल्ड सिल्वर में जनरली जो है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा तेज रहते हैं। ठीक है, तो ये अभी 236.70 या ऐसे ही क्लोजिंग हुई है। लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट क्लोजिंग, 236.70 की क्लोजिंग हुई है। तो ये तो मुझे लगता है जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर यू टू कीप इन माइंड। अब मैं कुछ लेवल्स लिख रहा हूं, उनको आप भी लिखिए। 227 से 229 सपोर्ट्स लिख रहा हूं मैं ये। ठीक है, ये टूट जाता है तो 220 से 222 एक और लिखिए फाइनल 208। ये तीन सपोर्ट्स नोट कर लीजिए और मैं आपको जनरली मैं नहीं कहता हूं लेकिन मैं अपना बता रहा हूं, मैं इन सब पे बाइंग करूंगा, बिंदास बाइंग करूंगा, बिंदास बाइंग करूंगा। क्योंकि जब आप सेल करते हैं, जब आप सेल करते हैं तो आपका जो रिस्क होता है ना वो अनलिमिटेड होता है, मेरी बात को समझिए। जब आप सेल करते हैं तो जो आपका रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन जब आप बाइंग करते हैं तो रिस्क आपका लिमिटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि मान लो हमने 230 रुपए पे बाइंग करी तो कुछ ना कुछ तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। मान लो वो वैल्यू है आज की तारीख में 150 रुपए, क्योंकि भाई कमोडिटी को एक्सट्रैक्ट करने में कोई तो कॉस्ट आती है। बहस तो छोड़ दो कि लोग कहेंगे जी क्रूड ऑयल तो नेगेटिव चला गया था, वो क्यों चला गया था उसकी एक वजह अलग थी वो, और वो गया था केवल सेटलमेंट वाले दिन के लिए, केवल वो कॉन्ट्रैक्ट गया था, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं गया था। खैर, अब 150 रुपए की तो वैल्यू होगी उसकी, कुछ तो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, 100 रुपए होगी। तो आपका जो मैक्सिमम रिस्क है वो 80-130 का हुआ, वो भी अगर आप बाइंग को सेग्रीगेट कर लोगे तो ये भी रिस्क नहीं होगा। बट सेलिंग के केस में मान लो आप 250 रुपए पे सेल करते हो तो 801 तक तो आपने देखा ही है इसको, और ये तो $10.10 तक ही गया था, जबकि जो हाई है वो $16 के आसपास है एनजी का। तो जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है सेलिंग। तो आज अगर मान लो $2.8 चल रहा है तो अपसाइड रिस्क जो है वो आपका 4 गुना है। डाउनसाइड रिस्क मैंने आपसे कहा, जैसे मान लो ये $2 आ गया, अभी सब कुछ मान लो है, या $1.5 आ गया या $1 आ गया, तो आपका जो रिस्क है डाउनसाइड का वो डिफाइंड है, बट अपसाइड में आप पोजीशन छोड़ नहीं सकते, दैट इज अनलिमिटेड, एंड दैट इज विद एनी स्टॉक, एनी कमोडिटी, एनीथिंग। तो बाइंग अगर सही रेट पे, अगर बाइंग अगर अच्छे रेट पर करी जाए तो हमेशा सेलिंग के मुकाबले सिक्योर होती है, और इसीलिए ज्यादातर लोग बाइंग करते हैं। अभी तो क्या है, मार्केट चूंकि वन साइडेड फॉल में है, और ये फॉल ऐसे भी नहीं हुआ है, ये फॉल ऐसे हुआ है। आप थोड़ा सा चार्ट पे नजर डालो, इसको बोलते हैं वाटरफॉल डिक्लाइन, बट अब ये सपोर्ट जोन में है एंड देयर आर चांसेस कि जो मैंने आपको सपोर्ट्स बताए हैं मार्केट इन सपोर्ट से घूमेगी, जो मैंने आपको सपोर्ट्स बताए हैं इन सपोर्ट से घूमेगी। एंड एज आई सेड कि मैं एंट्री जो अपनी पर्सनल एंट्री है
उसको भी लेने के लिए मैं सोच रहा हूँ। मैंने आपको लेवल्स बता दिए, उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ रेजिस्टेंस की। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 253 के आसपास रेजिस्टेंस। उसके बाद जो दूसरा लेवल निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 274 का। थोड़े दूर दूर हैं रेजिस्टेंस, बिकॉज ऐसे ही चलता है। और फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंस है जो अभी तक नहीं निकला है वो है 293.10। अभी तो ये तीन रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, अभी तो ये तीन रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद के रेजिस्टेंस अगर ज़रूरत पड़ेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि फिर जो है वो 302.60 है, 338 है, ये हैं, बट अभी इतना ऊपर तक जाने का कोई मतलब नहीं है। अभी जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताए हैं ना वो इनफ हैं पिछले कुछ वीक्स की मूवमेंट के हिसाब से। और मुझे लगता है कि देयर मस्ट बी, अब मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, देयर मस्ट बी एन एंड टू दिस डाउनसाइड मूवमेंट। और देखो ये पूरा जो रेंज है यार, इसका तो जो डाउनसाइड है वो 178 तक का आ जाए, 170 तक का जा रहा है। बिकॉज पहले क्या था ना, पहले एनजी इसी रेंज में, ये जो रेंज है ना, ये मेन रेंज हम इसको कहते थे, ये तो हाई था, ये एक बार ऐसे ही गया था और उस समय लोगों को बड़ा लगता था पता नहीं क्या होगा और ये, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकती है। देखो इसने क्या दिखा दिया लोगों को, ये आपके सामने है, ठीक है। सो नाउ आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे कहना चाह रहा हूँ, कौन से लेवल्स की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, कहाँ से मैं उनको लेकर आया हूँ, रेफरेंस कहाँ का मैंने प्रयोग किया है, सिस्टम कौन सा यूज़ किया है आपको समझाने का। बिकॉज जब तक आप ये सब सारी चीज़ों को समझोगे नहीं ना, तब तक आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम नहीं कर पाओगे और करना भी नहीं चाहिए। टिल द टाइम यू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी, केवल बुक की लास्ट पेज को पढ़ के आप उसकी एंडिंग तो जान सकते हो, बट उस स्टोरी को आप फील नहीं कर सकते, उसको डिकोड नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते। आप ये कह सकते हो भाई मुझे अंत पता हो गया तो बाकी कहानी से क्या, नहीं, जो रास्ता है वो मंजिल से खूबसूरत होता है। ट्रेडिंग के अंदर द प्रोसेस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आउटकम, एंड वेरी फ्यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रोसेस। सो इफ यू रियली वॉन्ट टू अर्न समथिंग फ्रॉम मार्केट, प्लीज अंडरस्टैंड द प्रोसेस, प्लीज फोकस ऑन द प्रोसेस, दैट इज माई रिक्वेस्ट। यू शुड एंड यू मस्ट लर्न इट इफ यू रियली वॉन्ट टू मेक मनी, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। और क्या वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं मुझे बताइए, जो कुछ ऐड करना चाहते हैं आप ऐड करिए। और मैं चाहता हूँ कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े हमारे साथ, इनपुट्स बढ़े। देखिए सारी नॉलेज मुझे है ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा नहीं है। तो आप लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, हो सकता है वो वीडियोस बनाने का उनके पास टाइम ना हो, उनको ज़रूरत ना हो, उनकी हॉबी ना हो, लेकिन आप लोग एक काम तो कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि और कौन से पॉइंट्स हैं जो ऐड हो सकते हैं, आप जो स्टडी करते हैं उससे आपको क्या दिखाई देता है। कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स अगर आप करेंगे वो सबको हेल्प करेंगे। हम क्यों ना एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करें जहां पर लोग अपने लर्निंग्स को शेयर करें, सो दैट वी ऑल गेट्स बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। मेरे को भी बेनिफिट मिल सकता है उससे, आपको भी मिल सकता है, जो वीडियोस देख रहे हैं उनको भी मिल सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए, जो भी आपको लगता है कि इसमें ऐड कर सकते हैं, जो मुझसे छूट गया या मुझसे गलती हो गई, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ, जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, मेनली जो मेरा फोकस रहता है वो उसी पे रहता है,
आपने देखा होगा मैं बहुत सिंपल तरीके से बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपकी स्टडी अलग हो सकती है, आपकी इन्फॉर्मेशन अलग हो सकती है, आपकी नॉलेज अलग हो सकती है, और उस नॉलेज का फ़ायदा सबको मिले इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करिए, और हम आगे चल के कोशिश करेंगे कि जो अच्छे कमेंट्स हों, जो प्रेरणादायक कमेंट्स हों, उनको हम किसी तरह से रिवॉर्ड कर सकें। ठीक है, चलिए अब आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद दीजिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।